क्या हर बार ये छोटा रिचार्ज लेकर आ जाती हो? इंदु कहाँ है? वो लड़के मुझ पर बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कौन? क्या बात है? क्या यार, ये इंडिया का फ्यूचर है, देश को डुबाएंगे। इंदु बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज कर रहे थे। यार देखो देखो, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का। अब इंदु कब आएगी बताओ ना प्लीज। अब इंदु नहीं आएगी। क्या? क्योंकि उन्होंने इंदु पर भी बहुत गंदे कमेंट्स किए थे। लेकिन ये तो बहुत आम बात। अरे तेरी तो। इंदु पे कमेंट करेगा? अरे जा, माफ किया। अरे बोला इसको फाइट नहीं करने का। क्या किया? अरे कुछ नहीं किया। अरे बोल बोल, क्या बोला था इंदु के बाद? बोल ना, मेरी इंदु को छेड़ेगा क्या? रे तेरे रोने से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब इंदु का नाम लिया तो ये खतरों का खिलाड़ी बन गया। ये तो प्यार में डूब चुका है। इसे कब बताएगी कि तू ही इंदु है? वो आ रहा है, कबाब में हड्डी मत बनो। इसके बाद कभी इंदु का नाम मुझसे लिया ना तो छोड़ूंगा। देखा, सबकी पीप मार दी मैंने। अब तो इंदु को फोन करके बता दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऑलरेडी फोन कर दिया है। थैंक यू। वो तुमसे पार्क में मिलेगी। अच्छा सुनो, वो पक्का आएगी? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। ओके ओके। ए ब्लू टॉप, she'll definitely come ना? पक्का पक्का। ओके। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। क्यों? इंदु जितना अच्छा नहीं है, मगर तुम्हारा फिगर उतना बुरा भी नहीं है। जैसे ही तुम मेरे करीब आओगी, इंदु माइट कम, शी माइट थिंक देयर इज समथिंग बिटवीन अस एंड बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऑन ओके, प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस। ओके ओके, इनफ। थैंक यू। वैसे तुम लाइफ में करते क्या हो? धूम धूम बाइक रेसिंग। घर का खर्चा निकल जाता है उससे? नहीं चला तो क्या तुम पॉकेट मनी देने वाली हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यू नो ऐसे ही पूछ रही थी, बैंक बैलेंस वगैरह। डलवा देंगे, दहेज में मिलेगा ना। इंदु की दोस्त है, इंदु की सीए है, कितनी इंक्वायरी करती है। अच्छा ये बताओ, इंदु से पहले तुम्हारे कितने अफेयर थे? अफेयर्स? नहीं थे क्या? अफेयर्स मतलब उस टाइप के ना, लव अफेयर्स नहीं थे। उस टाइप के मतलब? उस टाइप के मतलब अब क्या लिख के देना पड़ेगा, हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। समझ गई। वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्रोकर? अरे अरे, वो वाला नहीं यार, तुम वो महान ब्रोकर हो जो दो प्यार करने वालों को मिला रहा है। कहाँ है मेरे दिल की धड़कन इंदु? ओह नो, सरदर्द हो रहा है। मैं तो भूल ही गई, उसने मुझे दूसरे गार्डन बुलाया था। पागल कहीं की। अब और उसे कितना तड़पाएगी, कह भी देना कि तू ही इंदु है। ऐसा चांस सबको नहीं मिलता। काय का चांस? अपने प्रेमी की आंखों में अपने लिए हर पल एक इंतजार, एक चाहत देखने का चांस। जैसे वो मुझे तलाशता है, जैसे वो मेरी फिक्र करता है, जैसे वो कहानियां बनाता है, कुछ कुछ होता है। मार ही डालोगे। ये मेरे दोस्त का बेटा रघुवीर है, ये हमारी जायदाद वापस करने आया है। बेटा इंदु, जब हमारे गेस्ट हाउस की इतनी अच्छी देखभाल है तो हमारे महल की देखभाल कितनी अच्छी होगी। तुम्हें वहां एक राजकुमारी की तरह देखने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या सोच रही हो? मुझे उस जायदाद की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि डैडी के चेहरे पर जो खुशी है वो मेरे लिए किसी जायदाद से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके अंकल। हाँ तो देर किस बात की, चलो महल चलते हैं। इतनी जल्दी? एक हफ्ते बाद चलते हैं, अभी मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम बाकी है। कैसा काम?
एग्जाम्स तो फिनिश होने दीजिए। ठीक है। अघोरा उसके लिए पागल हूं मैं, पर अभी तक उसे छू भी नहीं पाया। जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता हूं लगता है किसी ने गर्दन उड़ा दी। कैसा डर है ये मेरा, जी करता है इन्हीं हाथों से उसका गला खोल दूं। दिल में उसके लिए नफरत की आग भरी है। वो कौन है जो हमारे बीच में दीवार है, उसका उत्तर चाहिए अघोरा। ऐसी कोई बात नहीं जिसका उत्तर अघोरा के पास ना हो रघुवीर। काम वासना ये आज की नहीं, 400 वर्षों से ये भूख अधूरी है। 400 वर्ष पूर्व तू इस उदयगढ़ का सेनापति था। ये है तेरे पूर्व जन्म की कहानी। 400 साल बाद फिर से किसी का जन्म हुआ है, लगता है इसकी रात की उतरी नहीं है। मूर्ख बालक, कई शताब्दियों से उदयगढ़ का इतिहास इस ग्रंथ में है। ये है वहां की राजकुमारी महित्रा। कुछ याद आया? और जो इसके प्रेम में पागल होकर मर गया था वो था रणदेव यानी कि तू। उसी प्रेम के कारण तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। उसी वासना की तड़प में उसे पाने के लिए तू पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है। तुम्हारी तरह एक और भी है जिसने उस राजकुमारी को पाने के लिए पुनर्जन्म लिया है। जब तक वो जीवित है तू कभी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर तू अपना प्रेम पाना चाहता है तो तुझे उस दूसरे प्रेमी को मारना होगा। मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा, ये मुझे कहां मिलेगा? जिस लड़की के कारण तूने इस धरती पर जन्म लिया वही तुम दोनों के मिलन का कारण बनने वाली है। पूर्व जन्म की तरह उसी के लिए तुम आपस में लड़ने वाले हो। इससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम दोनों से पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा वही होगा भैरव। सलीम भाई दो चाय कड़क। सुनना भाई, ये पुलिस के घोड़े कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। अगर मैं इन पर बैठकर इन्हें तगड़क तगड़क भगाऊंगा तो आसमान से परियां भी नीचे आ जाएंगी। अबे गधे की दुम, तू घोड़े पे बैठेगा? तेरा बाप भी कभी घोड़े पे बैठा था क्या? पका मत, चाय पीने दे। यार मैंने बचपन में कुत्ता बिल्ली घोड़ा सबकी सवारी की है। साले कुत्ता बिल्ली और घोड़े की सवारी में फर्क होता है। ओह मुझे तो लगा सब एक ही है। पर तेरी घोड़े की सवारी करने में इतनी फटती क्यों है? फटती नहीं है, मुझे पसंद नहीं है यार। आजकल लोग रेस कार्स और बाइक्स चलाते हैं, वहाँ घोड़े पर बैठने वाला गधा बस तू ही हो सकता है। गधा, that means donkey। मेरे साथ रहकर इस गधे को पता ही नहीं चला कि ये गधा बन गया है। हुकुम, इंदु किसी लड़के के साथ बहुत घूमती है, उसका नाम शिव है, वो यही कहीं रहता है।
जिस किसी का भी नाम शिव है उसे मेरे सामने लेकर आओ। पूरे मार्केट में फैल जाओ, 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 ढूंढो उसे, जाओ। हेलो बॉस, आगे यहाँ बैठ जाओ ना। ए, नाम क्या है तेरा? बिग बी। कौन सी नाटक कंपनी से आया तू? अबे तुझसे पूछ रहा हूं, कौन सी ड्रामा कंपनी से? रामलीला करके आया है क्या? कलरफुल शेरवानी, पगड़ी, लॉकेट, पर दिखता बीच का है तू, सूट नहीं कर रहा यार। वैसे इस गेटअप में नौकरी पक्की है तेरी? पर डे 1000 फिक्स होगा इसका। 5-star होटल में दरबान की नौकरी के लिए अप्लाई कर दे, जॉब लग जाएगी। इंदु इस नंबर पर बहुत फोन करती है। अनून, हेलो, ऑफर है, एक पे एक सिम फ्री, एसटीडी 10 पैसे में। डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा, थैंक्स। कितना पकाता है यार, शांत रहना यार, तू नहीं समझेगा। चल, अरे सुन तो मेरी बात तो सुन यार। नहीं सुननी है यार मेरे को अभी। लगता है अपना फोन भूल गया है। ये तो आपका नंबर है। अघोरी ने जैसा कहा था वैसा तो कुछ नहीं है, शायद ये वो लड़का ना हो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंदु के हर करीबी को मरना होगा।